सारे विला पहुंचते हैं, बहुत ही उत्साह का माहौल था हमारे विला में, क्योंकि टीम की यारी सब पे भारी पड़ चुकी थी और दो लोग हमारे ग्रुप के चैलेंज जीत के आए थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी चैलेंज। जहर गोल दिया, बहुत मजा आता है उसके जीने में जब आग लगी हो दुश्मन के सीने में। आज जैसे मानो कि दिवाली मन रही थी विला में, क्योंकि पटाखे जो फट रहे थे वो पटाखे नहीं फट रहे थे, वो लोगों के दिलों में अंगार जल रहे थे। ओहो, धुआं ही धुआं चारों तरफ। आज काली रात थी विला में कुछ लोगों के लिए, जो कि सोचते थे हमारे बारे में कि भाई इन्हें दबा के रखेंगे जिंदगी भर। मेरे बच्चों बड़े हो जाओ, पापा आ चुके हैं। मचा डाला टीम की यारी सब पे भारी। हमारी टीम से मैं तो गोल्डन विला में था, मैं सेफ था, जय और अदिति सेफ हो चुके थे, और हमें था कि एक बाय चांस अगर कोई ना कोई पावर आई या कुछ आया तो हम लोग कैसे ना कैसे करके शिवम और पलक को बचा लेंगे। अभी तो जीते हैं और जीते ही ड्रामा भी शुरू हो चुका है यहाँ पे। क्या हुआ? या तो तुम्हारे कल के आगे जाएगा या मैं। हाँ ठीक है, और मैं जाऊँगा वंतिका के साथ, मुझे जाना नहीं। वो कह रही है, अब भूमिका ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो कह रही है कि अगर ओरेकल के सामने गए और आइडल मैच बने तो भूमिका को डम करे, और मुझे करना नहीं है, तो मैं ओरेकल के सामने नहीं जाऊँगा नो मैटर वॉट। मैं जाऊँगा। हाँ ओरेकल के आगे जाओ, मैं तेरे लिए पिच करूँगा। अवंतिका मेरा दिमाग पे बजती है, मतलब मेरे को उससे चिढ़ हो गई थी उस टाइम तक। वो क्या कर रही थी, वो मेरे साथ होते हुए अपने दोस्तों की साइड से खेल रही थी, केविन और कैट की साइड से, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही थी। तो मैंने बोला कि मैं इसके साथ ओरेकल के आगे नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो ये अवंतिका को लेकर देखा अभी उसका, ये करेंगे माइंड वॉश करेंगे, अभी ब्रेन वॉश करेंगे, देख उसका कैसे लोग हैं यार। तुझे पता है उसको ऑलरेडी इन्होंने इतना समझा रखा था ना, वो मेरे अगेंस्ट ही थी, मैं तो हैरान हूँ वो परफॉर्म करके। अगर आप दोनों एक आइडियल मैच नहीं बने, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है इन दोनों एक आइडियल मैच है, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है कुछ नहीं है, दे डोंट लाइक लुक लाइक एन आइडियल मैच, साउंड लाइक एन आइडियल मैच। अच्छा स्ट्रेटजी हो सकता है कि हम लोग सब गोलिन के लिए वोट करें। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू दैट। लेकिन ये तेरे लिए भी बुरा हो सकता है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस हो गए इसके। हां, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस था पहले was the fact that he sent dono so now he can't keep sending the girl now again we'll talk shit about him because how can he just like send every time he wants to just stay safe. meri team wale kafi clear the ki wo mujhe oracle ke samne bhejenge aur agar kuch consequences ulte fulte ho gaye to main wahan adi rahun aur nikhil ko wapas silver villa bheju aur khud wapas na aaun. aaj bhi devashish pooch raha tha tere bare mein ki you feeling bad, wo poochte rehta hai waise, to kya tu like sab soch rahe hain ki you guys are having a scene, to kya the thing is devashish is a very nice guy but I don't connect with him. Kyu matlab ki aisa ki I connect with Carrie. Okay. But fir mujhe ye bhi pata hai ki he doesn't. Yeah. So there is no point of you know me initiating it again and again and then he goes on speaking sabke samne ki she's dumb, she's dumb, she's dumb. Mujhe nahi pata tha ki unka ek din mein Janvi se itna zyada deep connection kahan se ban gaya. तो मुझे काफी दुख हुआ इस बात का, because I wanted him to be the guy behind my back, if you know what I mean. Don't. I'm so sorry. No, it's okay. I'm sorry, ma'am. I never wanted to be in this position, but here I am, crying for someone who doesn't give a shit about me. अवंतिका वॉज द क्राइंग, वो हर टाइम गैरी के लिए रोती रहती है, सो आई जस्ट फेल रियली बैड, और मैं चाहती थी कि कुछ करके मैं गैरी और अवंतिका की बात करवा दूँ। गैरी ऐसे उसे बात करना था थोड़ा बहुत। बोलो, व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचा, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? You know, play with Janvi? Yes. अचानक से what changed? Like we just wanted to know that. Like क्या change हुआ जो तूने? वो यार देख, अब मैं एक person हूँ, ठीक है? ठीक है, I'm my personality, मेरा एक अपना opinion है। Yeah, for sure. And इसका कुछ अलग perception था, जो कि मैं follow नहीं कर पाता हूँ। लाइक जैसे ऑब्वियसली लड़ाई वाली बात हुई, उसने बोला कि तुम मेरे से क्यों नहीं बात करा पहले लड़ाई करने से। That is not what I meant. मेरा मतलब ये था, जब तू लड़ रहा था तो तूने ऐसा क्यों बोला कि मैं आरुषि के साथ? बाबा वो गुस्से में निकल जाता है, बट इफ आई वाज राइट ना एट द एंड ऑफ द डे, क्या मैं गलत था? नहीं, मुझे नहीं ना, तो उसके बाद स्क्रोल आया, लड़कियों को 3 डेट में आने मिला, पर अगर मैं जीतता तभी वो पॉसिबल होता ना,
दूसरी बात, मैंने इसको पहले ही बोला, मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए आपके फ्रेंड्स कौन है और आप सबके लिए नहीं अपने लिए खेलने आए हो। ये बात मैंने आपको आपको ही पता है बोली है। मैंने बोला आप अपने लिए आए हो सबसे पहले, और आपने कहा नहीं मुझे निकी को ही बचाने को। चार वोट थे, चार में से एक भी नहीं मिला आपको। उस दिन आपको रियलाइज होना चाहिए कि वो फ्रेंड्स नहीं है आपके। अब आप इतना भी बात नहीं समझ रहे हो तो मैं कैसे खेलूँ फिर बताओ। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ समझ ही नहीं रहे हो उस बात को, तो कहाँ से कनेक्शन बनेगा? लेट्स नॉट गेट देयर। तुझे दिल से किसके साथ परफॉर्म करने का मन है? लाइक अगर तेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होता जानवी के साथ। I also felt bad for Avantika because she really, really, really likes Gary. But it's just so insane ki thoda to self-respect rakh lo yaar. Like, itne baar bande ne bol chuka hai ki he doesn't like you. And then you keep going on and on and on ki nahi mujhe pasand hai, har cheez mein mujhe pasand hai. So it just, yeah, one-sided love never works, so. This is MTV Splitsvilla 13, co-powered by Philips Haircare, Manforce, Denver Deodorants, and On Premium Innerwear. And this is your next dome session. So far, हमारे पास हैं एक ideal match, Catwin. How's your connection so far? Is it getting better? Yes. For sure. Very good. Very good. We love it. Nikhil and Avantika. Our fiery connection. Congratulations, aap jeet chuke ho. Thank you. It was a good challenge. Well done. Yes. And Jay and Aditi, what a performance. Best performance. Right. And that's why you guys are sitting and chilling. लास्ट टाइम यहीं पे खड़े थे, हाँ, बट सिचुएशन अलग थी, सब फ्लिप हो गया, लाइक इमेजिन भी नहीं किया था, मतलब जाते जाते बचे और आज ये पक्का है कि जा नहीं रहे हो, आज तो नहीं जा रहे हो, बिकॉज़ यू सेफ, यस, गुड। हमने कहा था कि वापस जाओ स्प्लिट्सविला में और यही टाइम है कि डोम से पहले आप बात कर सकते हो, ये कर सकते हो, कुछ हुआ? After the challenge? So, people are very weird hai. क्योंकि मेरी लड़ाई हुई थी भूमिका के साथ और जब हम वापस आए तो भूमिका सेड अवंतिका आई एम सो प्राउड ऑफ यू आर सच अ स्ट्रॉन्ग वुमन यू सेट एग्जाम्पल फॉर एवरी वन नॉट एवरी वन यू सेट एग्जाम्पल फॉर मी एग्जैक्टली यू सेट एन एग्जाम्पल फॉर मी तुमने मेरे को एक हिम्मत दी है, you know, to take a stand. She said it in front of Dome, in front of everyone. That let me come. You have to listen. You have to take a stand for yourself. Thank you for that. Your inspiration. Is it in right or wrong? ठीक बोला ना, कुछ गलत नहीं बोला. What is the problem? Listen, that she shouldn't be nice. No, the problem is she's very hot and cold. जहाँ पे मुझे support की ज़रूरत पड़ती है, वो कभी support नहीं करता है. अब तुम्हारे पास पांच और दोस्त है, क्या चाहते हो? Why do you need her also? You have five, six friends. Nice, but it's very confusing. At least they are nice to me. Listen, I'm nice. Very rude to you. Person. I was nice to you all the time. You okay, guys, okay, ठीक है, ठीक है. तुम लोगों जो मुझे पसंद नहीं करते, and that's okay. Okay, you know, fine. I try to play fake and pretend. खत्म बात, move on ना. इससे आगे से I would like एक मिनट अवंतिका. One second. So like personally ना वो बुलाएगी. She was like, she was crying ki don't gang up on me and all that. So mujhe actually bura laga. And I was like, okay, I'll convince everybody ki thoda settle karne ke liye. And she convinced me also. Kal ke jhagde mein she was like, I don't like you and I don't like you. I've been fake with you. I've been fake with you and all that. जो व्योमेश के पास गए थे और सबसे पहले बोला था कि listen, don't. अभी व्योमेश is a friend. कर तू ते. अभी व्योमेश is a friend. व्योमेश. I had her back. आज टास्क से पहले चैलेंज से पहले तक अभी है आज चैलेंज डू यू हैव अ बैक राइट नाउ नो दैट्स वेयर इट इज मेरे को ये लगता है कि यार ये बहुत फेक है आई एम फेक लेट मी कंप्लीट देन कितना कुछ बोला है किस किस के लिए बोलूं
आपने भी उतना ही बोला जितना इसने बोला होगा। रोमेश मेरी बात सुन, तेरी वजह से ब्रो आज ये लड़की यहाँ बैठी है, तेरी वजह से खड़ी आज यहाँ पे खड़ी, समझा ना मेरी बात। ऑब्वियसली ब्रो, अगर तू इसको पहले दिन पे ना छोड़ता ना तो यार आज ना यहाँ पे ना होती, अपना कनेक्शन बना चुकी होती। उन दोनों साथ ओरेकल के सामने गए भाई, क्या बोल रहा है तू? चुप रहना यार, तेरे से बात करिए, तेरे से बात करिए, उससे बात करिए, तू उसके उससे बात करिए, उससे बात करिए, बीच में टांग अड़ाना जरूरी होता है। मैं ओरेकल के सामने गया, मेरी आइडियल मैच नहीं है, मैंने पहले बोला था आइडियल मैच होगी तो खेलूंगा, नहीं होगी तो नहीं खेलूंगा। अबे वो लक्कड़ बग्गे, सुन मेरी बात, ढंग में रहकर अपने जैसे बैठा ना बैठा चुपचाप, खड़ा रहे तू खड़ा रमेश, चल भूमिका What's that ring? Don't ask that na. We are not on that ring. I want to know the ring. Sir, you open ideal match. Dekhna. Pass aaya. Pass nahi aaya. Khade. Oh my God. Shivam, mere ko ek ring diya. Abe tujhe kya lena dena hai? Main usko jewels, usko main pendant do, usko main diamond do, jo marzi do. Main de sakta hu, meri aukaat hai. Teri kya aukaat hai, phukre? Tu chup raha kar, main baitha raha, ja baitha. Are same thing you say all the time, man. Pehli fursat mein nikal. Same thing. Sari fursat mein nikal. Fursat mein nikal. Bhai, sari fursat mein main ideal match ban gaya. Tu kya kar raha udhar? Aukaat, ye shauk nawab ho ke pair niche karke baitha kar mere samne, samjha na? Jab papa khade ho niche aise nahi baitha karte. Pair niche rakh. Niche rakh. Riya, can I talk to you now? No, nahi kar sakta. How do you feel about him? Nahi kar sakta. No. Listen, how do you feel? He's a nice guy. Are baat karne dena. Why are you scared, bro? Let her talk. No, let the girl talk. I will let her talk. She's here for herself, not you. Mujhse paan phook ke baat kar. Mujhse paan phook ke baat kar. Tum acche se baat kar lo pehle. अरे चलो सर, इज 28 इयर्स ओल्ड, यस ही एक्ट्स लाइक अ 10 ईयर ओल्ड, यस ब्रो, अब कुत्ता लग रहा है जैसे तूने टास्क में, जैसे तूने मुझे अपने चैलेंज में काटा था ना, ऐसी असली तेरी बाहर आ गई, दोबारा करियो एक्शन, लाइट्स कैमरा केविन, यार ये क्या इंसान, लाइट्स कैमरा केविन, लाइट्स कैमरा शिव, ओ यस सर, सर डॉक्टर, डॉक्टर तू करना, कुत्ते की तरह आया था, कैसे कुत्ते की तरह आया था, करना आपस में ये कर सकता है सर, एक शायरी है, शायरी बोल ले भाई, बोल ले तू, तेरा शायरी बोल सिर्फ, तू सिर्फ इस काम के लिए आया है, सलाम है, ये खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, वाह वाह, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैचिया खाक हमें उड़ने से रोकेंगी जनाब, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, बूम बम, वाह वाह, बूम बम, बूम बम, व्हाट डिड यू से, बूम बम, रिपीट नहीं करूंगा, अगर बोल दिया सुनना है, सुन लीजिए प्रॉपर, एक दिक्कत है इसको देख के ना पमीरन पिल्ले की याद आती है मेरे को, मुझे इसको देख के ना कार्टून की याद आती है एक्चुअली, यस फनी कैरेक्टर, कुत्ता बनियो, कैसे बना था कुत्ता तू, अरे यार, ओ शिट यार, जय भाई, अरे यार शिट, गलती हो गई, अरे निखिल भाई गलती हो गई यार, अरे मैं 14 इंजेक्शन लगवाने भूल गया, शिट, ओ कुछ होगा, कुछ होगा तो नहीं ना, जाऊं जाऊं अभी जाऊं भाई, 14, ओ शिट 14 इंजेक्शन लगवाने पड़े यार, भूल ही गया मैं तो, सर जब ये बोलता है ना ऐसा लगता है जैसे टायर गाड़ी बैक हो रही होती है ना, गाड़ी बैक हो रही हो, कुत्ते की पूंछ पीछे आती है नीचे, जो करियो कैसे करियो, ऐसे लगता है ऐसे बोलता है, देखो परेशान, सर देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, परेशान हो गए, नर्वस है, टांगे हिलना शुरू हो गई, ये देखो ये बॉडी लैंग्वेज, नॉट नर्वस, आई एम पिस्ड, कल पहली फुर्सत में पहले परफॉर्म कर, बाद में बात, अबे मौका तो दे, फेयर प्ले की बात करता, मौका तो दे भाई को, अरे मौका दे ना, एक बार घर सीट के लेके गया ना मैडम, मोहतरमा आप ना बोला बीच में, लड़कियों को क्यों लाता बीच में, खुद से बात, मैन टू मैन बात किया करना, उसको बता के लाता तू, जैसे शिवम अगर मुझसे हावी हो जाए तो तू बीच में बोलना शुरू कर दिया, अगर मेरे को पता तू तेरी औकात नहीं है ब्रो, तू ये कर सकता है, तुम औकात की बात मत करो ब्रो, रिया क्यों सब जगह में बेइज्जती करते हो, शट अप रे, हर जगह में उसकी बेइज्जती करते हो, लाइक यू आर अ मैन, यू आर द वर्स्ट मैन आई हैव एवर सीन एक्चुअली, लेट योर फीलिंग्स आउट, बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा, तुम्हें कार्टून जैसे देखकर ना बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, सब हंसते हैं इसीलिए, समझ रहे हो, लड़कियों से बहस नहीं करनी, आई कांट बिलीव कि आप लोग पिछले में वापस जाके बातें नहीं करते हो, बिकॉज़ गाइस डोंट स्टॉप, सर यहाँ पे इतनी दूर बैठे हैं ना, वहां पे तो फिर ऐसे भड़क हो जाती है, मारूंगा ओए यहीं से जूता फेंक के मारूंगा, चुप रहकर उससे बात करिए,
बैठा था वहीं पे। तू फेंक के दिखा भाई, इतना बात ज्यादा बोक मत। You're all talk, bro. You don't do shit. You're all talk. हाँ, इधर तक पहुंचेगा ही नहीं एक्चुअली। अरे केविन केविन केविन, देखो लगता है इनके लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये ना ये तो एक ऐसे बना हुआ ना, केविन को पापा बना रखा है। मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, I'm his brother. I stand up for my brother just like all three of you. डिसीजन लेना हो, कुछ बात हो, कोई टास्क में किसी को परफॉर्म भी करवाना हो, केविन तू अपने दोस्तों से और वो अपनी गेम खेल रहा है, इज राइट, वो भी उसी की गेम खेल रहा है। ऑलराइट, कौन डंप होने वाला है, कौन ओरेकल के सामने जाने वाला है, उससे पहले व्योमेश और आरुषि जो बात छेड़ ही नहीं रहे तब से आए हैं, ऐसे देख भी नहीं रहे मेरी तरफ से कि कहीं याद ना आ जाए इनको। हाँ, भूल जाओ, मुझे कुछ नहीं भूलता, स्पेशली रेपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस। कि आप गोल्डविला में होकर अगर आज हार गए तो अच्छा नहीं होगा, राइट? आई रिमेम्बर। कॉन्सिक्वेंसेस जानना चाहते हैं? Yumesh and Arushi, you'll have to leave the gold villa. And go back to the silver villa. Okay. But thankfully, jab aap wahan pe jaoge, you're not in danger. आप वहां पर सेफ होगे, बिकॉज यू कमिंग फ्रॉम द गोल्ड। ओके ओके सर, टेक द वॉक। एक्सपेक्ट किया था ये तो। जिस चीज का हमको डर था वही हुआ। And I was really sad क्योंकि मेरी वजह से ये सब हुआ था। I had lost the challenge. जो व्यू था अब वो चेंज हो चुका था। कल तक जो मैं सामने पॉइंट करके शिवम और जय को गाली देता था, आज मैं उन्हीं की साइड में बैठा हुआ था। एंड सिल्वरिला में आके बहुत 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 ही डरा हुआ माहौल लगने लगा। मैं बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि हमारा जो प्लान था वो कामयाब होने लग गई थी और अब इनकी शक्लें ऐसी हो गई थी जैसे। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक हो? मजा मा? किस किस को लग रहा है कि वो डेंजर में आज? सबको, सभी हैं, सबको लग रहा है। आज जो कपल जीता है, यू हैव अ पावर, जय एंड अदिति, आप डेंजर में जितने स्प्लिट विलन्स हैं उनमें से चार स्प्लिट विलन्स को सेव कर सकते हैं। बूम बाम यो। बेबे, यस, दिस इज इट, दिस इज इट, आ गया अपना टाइम, आ गया निखिल। This is it. The right moment. अब पैर ऊपर रख के बैठने की बारी आ गई है ब्रो। अदिति, I'd like to pitch for Sam and Nikki because वो तेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो yeah, that's it. जय, I want to say for Devashish, वो अभी wild कार्ड से आया है और उसने एक बार भी परफॉर्म नहीं करा, उसे चांस भी नहीं मिला परफॉर्म करने का कि वो प्रूव कर पाए या फिर किसी भी तरह वो सेव हो पाए। सो इफ यू कंसिडर दैट फॉर हिम, वुड बी रियली नाइस एंड फेयर। सो
So Aditi and Jay, please choose four splits villain jo aap save karna chahte hai. Shivam. सबसे पहले शिवम. शिवम क्यों? He is the backbone, you know, for जो हमारा जो भी relation है ना. नहीं ऐसा नहीं सर, हम तीनों तीन की यारी, सब पे भारी. हम तीनों की खासियत हमारे ग्रुप की सर, हम तीनों की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है सबकी हमारे ग्रुप में. ऐसा नहीं है कि कौन ऊपर है, कौन पापा है, कौन बेटा है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में. सबकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, सब अपना स्टैंड खुद ले सकते हैं. तो हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. ओके आप जाके वहाँ बैठ जाइए. Hashtag drama queen. फील आ गई यार, स्वाद आ गया. ये सेकंड पलक जाके बैठ जाओ वहां पे. आई जस्ट वांट टू से समथिंग. जय पलक को चूज कर लिया एंड अभी वो वहाँ पे है तो उसके साथ कोई परफॉर्मर नहीं है उसके साथ. एंड हमारी बात हो चुकी है, निखिल की भी बात हो चुकी है कि हम क्रॉस खेलेंगे ताकि दोनों के कनेक्शन सेफ रहे. जी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जितना मैं ये तीनों को जानता हूँ करेक्ट, मैंने कभी आपसे इतना इंटरेक्शन किया नहीं. सो मेरे लिए आपसे पहले वो तीन लोग रहेंगे. Who's the next splits villain you want to save? रिया. जाके बैठ जाइए. Please tell us who you'd like to save. The last person is भूमिका. Thank you. कुछ बोलना चाहेंगी? so happy. ओके, डंपिंग जोन में है सात लोग. गैरी, ट्रेवॉन, सैम, देव, निकिता, समृद्धि, जानवी. सडनली थिंग्स चेंज. निकिता, यू नेवर बीन हियर बिफोर. आई हैवंट, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट. गुड. या आपके लिए आसान कर दूं? यस. आइडियल मैच, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिटिंग चिलिंग. दूसरा एक ऐसा कपल जिनको शायद मौका मिलेगा यहाँ पे जाने का. पर गोलविला में एक और कपल बैठा हुआ है बिना कुछ किए. लेकिन सनी, जब आप गोलविला में होते हो तो जनरली एक एडवांटेज रहता है. और वो ये है कि आप दो लोगों को डंपिंग जोन से बचा सकते हैं. ध्रुव और सपना दोनों जानते हैं कि लाइक सैम और मेरा कनेक्शन लाइक इट इज जस्ट बीन मेड रिसेंटली बट इट्स प्रिटी रियल. एंड आई एम प्रिटी श्योर यू गाइज नो हाउ बैड आई वॉन्ट टू स्टे ऑन द शो. And Dhruv and I were also close, और सपना और मेरी भी बहुत बात हुई है, so save me. I want to pitch to Dhruv पहले. हमने last task साथ में perform किया था, हम save हुए थे. Keeping that in mind, maybe you can save me and Gary. मेरा connection अभी उसके साथ बना है and it's going very well. And so just. आसान कर दूं? Should I make it easier? Can you? Yeah, I can. जैसे ही आप दो लोगों को बचाओगे कितने रह जाएंगे? पांच. पांच में से दो आज रात को वापस घर जा रहे हैं. मुझे लगता है कि देवाशीष टारगेट होगा. मुझे नहीं लगता.
को किसने बचाना है, किसको बचाना है ये बता दीजिए। मुझे लगता है कि सैम भी टारगेट होगा। यू से एनी टू नेम दैट गो विद यू ध्रुव एंड सपना, व्हाट्स योर डिसीजन? सर गैरियन समर्थ है। पांच मिनट पहले तू मेरे लिए पिच कर रही है, तू कह रही है कि प्लीज इसे बचा लो, जब तेरे पास पावर आ रही है तो तुझ में थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है, तू मुझे बचाए। तो ये सपना ने बहुत ही ज्यादा गलत किया और मेरा दिमाग घूम गया वहां पे कि तू दोस्त बोल रही है, तू प्रोमिसेस कर रही है और वहां पे जाके मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रही है। यारी एंड समर्थ, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सेफ टुडे। वेलकम टू स्विट्जरलैंड। देव यार, I have no words. तू इनको तीन दिन पहले मिली है, तू मेरे साथ कम से कम 10 दिनों से है, and you know our connection. देवाशीष, मैंने उस बेसिस पे करा है कि जो मुझे लग रहा था कि आज सबसे लीस्ट, तू मुझे नहीं लगता कि तू आज टारगेट होने वालों में से है। बट तुझे दिख रहा है मैं किसके साथ खड़ा हूँ आज? कोई है आगे? exactly. मेरे कोई नहीं है। मैं मतलब ये लोग का कनेक्शन है यार, ये सिंपल चीज थी। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि सपना ऐसा कर सकती है। इतना बड़ा फ्लिप, इतना बड़ा गेम, ये उसकी स्ट्रैटेजी थी या उसके पास मौका नहीं था या जो भी था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट सपना ने जो किया वाज वेरी रॉन्ग। ब्रो, यू लुकिंग टू सैड। या व्हाट डू यू गाइस डू? यू कुड हैव सेव्ड हिम। मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता सपना, बट जब वो लोग पिच कर रहे थे ना, तो आपने एक्चुअली देव के लिए पिच किया कि देव को बचाओ। बट देन मैंने और ध्रुव ने अभी जो बात करी उसके अंदर इट वाज लाइक, मुझे नहीं लगता कि अगर निखिल और जय, उनको देवाशीष से इतनी प्रॉब्लम होगी जितनी उन्हें बाकी वहां पे खड़े हुए लोगों से होगी। व्हेन जे वाज पिकिंग पीपल टू सेव, जो बचाना था, ही एक्चुअली सेड दैट देव इज नॉट समवन हु इज इन माय फ्रेंड सर्कल, द अदर 3 पीपल I would choose over Dave. This was before anything had even happened, before you even had the chance to make this choice. So it's going to be so easy for anybody else to just knock him off. Because out of there's 2 boys, who are they friends with? Who's been here longer? Who has the connections? Devashish does not. He's trying to. Anyways, you did what you have to. आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निखिल और अवंतिका, आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा। उस क्यू कार्ड पे आप एक लड़के का और एक लड़की का नाम लिखेंगे जो इन पांचों में से ही होंगे। Let's have a क्यू कार्ड। किसी को पिच करना है? Guys, before they write. Guys, इसको पिच कर सकते हो तुम। So I would like to pitch to Avantika to. You don't have to. I would like to. You don't have to. Obviously. Who I? Love you. See, I Avantika. Really made it very clear. पहले से कि I only have 2 friends over there standing there, which is Sam and Nikki. और obviously बात है, I won't dump Sam's connection. I love so you. So it's very obvious. Devashish made it very clear today कि अवंतिका के साथ उनका बहुत अच्छा bonding and connection है। हाँ सर। मैंने कल ही देवाशीष को कहा था कि I really have a soft corner for Gary. Gary? एक सेकंड, नहीं, उन्होंने बोला था कि she wants to perform with me. मैंने उन्हें कल ही कहा था कि अगर मेरे सामने ऑप्शन आया ना गैरी और आपका, तो I'm always gonna pick Gary. I don't care if he picks me or not, but I really like him. Or don't love. Smiling, it's my sweet smile. I really like love, him. Love induced sweet smile. So cute, you're so sweet, Gary. Yaar, yeah. You're so lucky. Are you crying?
Gary, are you crying for Avantika or for Janvi? Sir, I connect more with Janvi, sir. Aap ro, aap upset? Yes, I am upset ki if she goes tonight, toh mujhe bura lagega, sir. क्योंकि मेरा माइंडसेट वहाँ होता है सर, वहाँ मेरा नहीं होता सर. ठीक है सर, कंपैटिबिलिटी होगी एक बात के लिए, बट सर जहाँ माइंडसेट नहीं है तो मैं रिश्ते शो के बाद भी बनाना चाहता हूँ सर. ये 30 दिन के बाद ऐसे नहीं कि फेंक दो, दैट्स इट. अभी तक तो कोई नहीं गया, अभी तक बाकी है. नाम लिख दिए इन्होंने जिनको ये डंप करना चाहते हैं. और कोई भी नहीं है आज विला में जो कोई और नाम लिखेगा, क्योंकि उनको वो ऑप्शन नहीं मिलता है. सिल्वर विला वाले कपल जो जीतते हैं, राइट? आपके हाथों में, सिल्वर विला के हाथों में कि कौन जाए ओरेकल के सामने. व्योमेश और आरुषि वोट नहीं करेंगे. So the rest of the Splits villains from the silver side, the silver villa, you will decide who you want to send to the Oracle. But before we give you the cue cards, Jay and Aditi, please tell us, agar aap, you want to find out if you're compatible, ya fir, are you a ideal match? Gold? Yeah, silver. Sir, we'll be going for silver. So, silver side? Yes, sir. Okay. Now, knowing this information, aapke haath mein ki kaun jayega? Can we have the cue cards, please? इनका डिसीजन बन चुका है, ठीक है? ये किसको भेजना चाहते हैं, उसकी क्या रीजन है, क्या पावर आएगी या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, कॉन्सिक्वेंस होंगे या कौन डंप होगा, ये सब मतलब अभी हो चुका है ऑलरेडी डिसाइड. पर आप दोनों को क्या लगता है कि क्या आप एक गिल मैच हैं या नहीं? You know, fate has different ways of doing things. शायद आपने नहीं एक दूसरे को चूज किया, पर शायद अभी परफॉर्म करके एक दूसरे रह के यू माइट हैव सम फीलिंग जो किसी और को नहीं पता है. बाहर से कुछ और लग रहा हो, अंदर से कुछ और, वी डोंट नो. लेकिन हम जानना चाहते हैं दोनों सिर्फ एक सवाल का जवाब देना. क्या आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप एक आइडियल मैच हैं? येस और नो, दैट्स इट, सिंपल. Can I have two more cue cards, please? Avantika, please batao if you think that you're an ideal match with Nikhil. No. Lol. Nikhil. क्या लिखा है सर? डेफिनेटली नो. डेफिनेटली नो. स्प्लिट सिला में जब आप जीतते हो तो आपका रास्ता आसान हो जाता है. यस yeah. yes. अगर विला ने आज आपके लिए वोट किया है, यू कैन पिक एनीबॉडी फ्रॉम द सिल्वर साइड एंड गो टू द ओरेकल with that person. Both of you. किसी के साथ भी. Okay. For now, choose. उसके बाद देखते हैं कि decision क्या है. Choose तो कर लो. अवंतिका, किसके साथ? हाँ? Gary.
नहीं छोड़ यार। गैरी कम ऑन। सो शॉकिंग। लाइक सो शॉकिंग। और निखिल जी तो फूले नहीं समा रहे। नहीं नहीं सर। बोलिए। I would go for Bhumika. Not Palak? No, and we are not an ideal match. Compatible हो के भी हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर पाएंगे. So doesn't make any sense ना. I don't mind. Yeah, she knows me very well, so I know she. I don't mind. No. और Bhumika आप इससे पहले किसके साथ अभी तक से गए नहीं है ना? गए. गए थे रोमेश के साथ. आप भी आइडियल मैच नहीं थे उनके साथ? नहीं. Would you ये आपको अच्छा लगा कि इन्होंने आपका नाम लिया कि नहीं? Yes. सब कुछ खुशी खुशी अच्छा लग रहा है. No, just safe and secure होंगी ना. All of this will only happen अगर अगर इन्होंने हमारा अगर इन्होंने आपका नाम लिया. Okay. शुरू करें. Yes, sir. देखते हैं अगर गैरी ने आपका नाम लिखा है, क्योंकि अगर लिखा होगा तो उसके ही चांसेस बढ़ जाएंगे टू गो इन फ्रंट ऑफ द ओरेकल. Gary? It's Nikhil and Avantika. Shocking. Nikhil and? Thank you. Avantika, क्योंकि मुझे लगा था ये आइडियल मैच नहीं है तो consequences. Oh. जो आपको अपने साथ सपने दिखाना चाहती है आप उसको कह रहे हो कि consequences लगे बाहर है वाले इसको. Wow. In Janvi, who did you write? Jay and Aditi. क्यों? She made it very obvious कि उसने मेरा नाम लिखा है. But when she said but how do you know like कुछ भी हो सकता है कार्ड खुला थोड़ी. Exactly. She made it obvious. Score one all. Sam. Nikhil and Avantika. वजह पूछो खुश मत हो वजह पूछो उनको कोई कॉन्सिक्वेंस ही है वो क्या तेरे यार हूं मैं थोड़ी चल रहा है. नो मेरी उनसे बात हुई थी तो दे वर प्रीटी क्लियर कि वो मेरे पे वोट करेंगे. वो चाहते थे कि आप लोग यहां पे जाएं आइडियल मैच ना बने. नहीं सर पता क्या बात है और वो घसीटते हुए निखिल को सिल्वर मिला में लेकर आए. एग्जैक्टली यही बात हुई थी. एग्जैक्टली सर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. Bhumika Aditi and Jay. Next is Palak. Two of my favorites, Jay and Aditi. Rhea. Jay and Aditi. Shivam. Sir, Jay and Aditi. क्यों? Sir, ये मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने इनसे ज़्यादा किसी को प्यार में नहीं देखा विला में. ये proper lovebirds हैं sir विला के. तो इनका मैं एक बार check करना चाहता हूँ कि ये हैं कि नहीं है. Score 5-2. Nikki. Avantika and Nikhil. Dev. Jay and Aditi. क्यों? दिख गया आज सर सब सारा जो भी था. Alright. Score 6-3. Samruddhi. Sir Jay and Aditi. Pramon. Sir, Jay and Aditi. Okay. The villa has decided that Aditi and Jay get the chance to go in front of the Oracle. Thank you, guys. Aditi and Jay, please Oracle ke samne aaye and ask, kya hum compatible hai? जब मैं जय का हाथ पकड़ के जा रही थी ओरेकल के आगे तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी. मैं और जय हम काफी बात करते थे, हम हमेशा साथ में रहते थे. तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी मैं जानने के लिए कि हम कितना कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ में. तो फिंगर क्रॉस. मुझे ऐसे टाइप की लड़कियाँ बहुत पसंद है. सो वे शी स्माइल्स, शी इज सुपर क्यूट एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं कंपैटिबल बन जाऊंगा.
क्या हम कंपैटिबल हैं? ओरेकल के कैलकुलेशंस के अनुसार जय और अतिथि आप दोनों कंपैटिबल हो। मैं और जय और हमारी पूरी टीम काफी खुश थी कि हम कंपैटिबल कपल बन चुके हैं। मैं अदिति बहुत खुश थे आफ्टर बिकमिंग कंपैटिबल। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तभी से वी बोथ वर लाइक वाइबिंग टुगेदर एंड नाउ वी वर रेडी टू टेक अ स्टेप अहेड एंड गो फॉर द आइडियल मैच। और गेम का डायनामिक्स चेंज होते हुए मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अदिति, आर यू क्राइंग? नो। खुशी क्या सुन रहा है? सर, आई थिंक डे वन से जब से हम विला में आए हैं तब से ना मैंने किसी और लड़की के बारे में कनेक्शन बनाने का ट्राई किया है। After I found Aditi, and same goes with her. इसने ना कभी किसी और लड़के के बारे में बात किया कि मुझे इसके साथ कनेक्शन फील हो रहा है या चैलेंज करना है। I think yes. Of course, sir. Compatible तो आपको. Yes. Thank you. Thank you. Very cute. सबसे पहले आपके पास एक पावर है, जो आप अभी इसी डोम सेशन में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहली बार स्प्लिट्सविला X3 में एक कंपैटिबल मैच बना था और हम ईगरली वेट कर रहे थे कि पावर क्या होने वाली है। और मैं बता के यार बस अब आएगा मजा। डिसाइड व्हिच वन ऑफ द टू निखिल एंड अवंतिका स्टेज इन द गोल्ड विला एंड हु जॉइंस बैक इन द सिल्वर विला। Kevin and gang ki shakle sad gayi thi and I was enjoying that moment ki oh bhaiya ab to dekho ab main aapko dikhaunga asli game hota kya। Agar aapne Avantika choose kiya to gallery jayenge wahan baith jayenge aur agar aapne Nikhil ko choose kiya to Avantika ja ke wapas silver villa mein वो गैरी के साथ और भूमिका घूम फिर के वहीं गोल्ड विला में निखिल के पास। क्या आपका डिसीजन सर? वी वांट निखिल टू स्टे इन द गोल्डन विला। तू लेके गया था, हम लेके आए। थैंक्स यार। भूमिका के यहाँ पे आने से ज्यादा खुश अवंतिका के जाने का था। माय गॉड, वो बंदी बज गई थी मेरे दिमाग पे, बज गई थी लिटरली। मतलब शी वुड बी द लास्ट पर्सन जिसके साथ मैं पेयर अप होना चाहूंगा इस मेला में। आज आज ब्रोमैंस। Wow, what a twist, what a luck. Again, I'm going into Golden Villa with a different person, but with real friendship, with real, real bond. Kya lag rahi hai? Back to the main. Back to the main.
to the right people. Catwin, क्या चल रहा है? आप इतने शांत क्यों हो गए? आप are you happy कि गोल विला में भूमिका आई? No sir, not at all. नहीं? No, she doesn't deserve to be. क्यों? क्योंकि अवंतिका परफॉर्म किया आज और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जो हुआ आज इनके लिए उनका ग्रुप के लिए बहुत एक नेक्स्ट लेवल अच्छा था क्योंकि परफॉर्मेंस किया ना केविन या सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग परफॉर्मेंस में भी इसको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिला येड़ा हो गया क्या अरे वो तो हम जीते हैं तो उसको दिक्कत हमारे तो उसको दिक्कत छोड़ उसको बोलना ही नहीं कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट क्या बेनिफिट ऑफ डाउट मिला जस्ट गॉट लकी ब्रो दैट्स ऑल ओके टेबल तू नहीं हुआ लकी तेरा दिन नहीं था बेटा जस्ट चिल बे Sir, losers always have reasons. I'm telling you, losers always have reasons. ये देखो reason. उस दिन मैं टग ऑफ वॉर में सामर्थ्य से हारा मैंने सामर्थ्य को जाके हक की और मैंने उसको आई थिंक मैंने तीन बार बोला यू प्लेड अमेजिंग मैंने ये रीजन नहीं दिया कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है गुजरिए सर दैट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यस ये बेच खाइए इसमें तो है ना लक्कड़ बग्गे होने भी तो चाहिए बेचने के लिए चुप रहेगा कुछ बोलने को होता नहीं उसके पास Janvi, Trevon, Sam, Dev, Nikki. Lots of things have happened. आपकी दोस्त जो वहाँ पे बैठी थी वो वहाँ पे नहीं है right? But they didn't even become an idol match. वो गए भी नहीं So those two names mean nothing, nada, zilch. लेकिन इस डोम सेशन से एक लड़का और एक लड़की डंप होके घर जाएंगे जब कोई और नहीं है डंप करने के लिए हु इज गोना डंप आइडियल मैच द एग्जिस्टिंग आइडियल मैच केविन एंड कैट आज आप एक लड़के को और एक लड़की को डंप करेंगे जो ऑलरेडी डंपिंग जोन में है किसके लिए जानवी केविन शी इज द फर्स्ट फ्रेंड आई हैड हियर एंड आई वुड नॉट लाइक शी इज ऑलवेज बीन देयर फॉर मी सो प्लीज सेव हर कैट आई रियली लाइक दिस गर्ल और मैं प्लीज चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंडशिप को जरा साइड रखें और मेरे कनेक्शन को सेव करें इजी है नॉट दैट इजी सर नो ऑफ कोर्स नॉट सबके पास कनेक्शंस है और सब मेरा दोस्त है निकी के पास सैम है जानवी के पास प्यारी सैम के पास ट्रेवॉन तो I honestly don't know. लिख दीजिए नाम Kevin and Kat, please tell us which two people you are dumping today. Janvi and Dev. Sorry, I'm really sorry, but अगर मैं निकिता को दम कर रहा था तो Sam would be left out. If I dump Samruddhi, Trevon would be left out. And but Gary still has a chance and Avantika actually likes Gary. So that was the only logical vote I could make.
Janvi, Dev, the ideal match has spoken. उन दोनों ने आप दोनों को डंप कर दिया। You can say bye to your friends. Sorry, guys. I don't think there is one. Thank you. Trusted everyone, I feel. मुझे काफी बुरा लग रहा था क्योंकि फाइनली आई वॉज डेवलपिंग अ जेन्युइन कनेक्शन किसी के साथ, मैं जेन्युइनली कनेक्ट कर रही थी. आई विश मेरे पास और टाइम होता टू बिल्ड ऑन दिस कनेक्शन, बट आई एम श्योर कि हम बाहर जाकर जरूर मिलेंगे एंड डेफिनेटली एक बॉन्ड रहेगा. अश्क न हो आंसू करते हमें कमजोर नैना, अश्क न हो नैना अश्क न हो. स्पेशली में जो मेरी जर्नी थी वो काफी ज्यादा छोटी थी, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था ये गेम कैसे चल रही है. यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं होता है. अगर ये गेम खेलना है तो यू हैव टू बी सेल्फिश. किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो. डोम सेशन के बाद गैरी बहुत ही ज्यादा अपसेट था. आई वॉज वेरी एंग्री बिकॉज जानवी चली गई एंड ही वॉज ब्लेमिंग अवंतिका. ये जान ले लेगी भाई मेरी है. कसम से भाई, तुझे पता है इसका दिमाग खाली है बिल्कुल. इतना ज्यादा नहीं अभी बार पता है वो ना भाई, वो ऑर्डर चलाती है. हाँ परफॉर्म कर लेती है टीम, मान लिया वो ऑर्डर चलाती है भाई. वो गेम जीतने के लिए आया ना. हाँ आया हूँ तो फिर. गैरी बहुत गुस्से में थे और मेरी पूरी गेम हो चुकी थी. देव जो एक लड़का था मुझे पसंद करता था वो डंप हो चुका था, और गैरी जिसे मैं पसंद करती थी वो मुझे देखना तक नहीं चाहता था. अब अभी उसके साथ बात मत कर, एक दिन दे दो उसको. और बिकॉज आई एम श्योर यू आर हैप्पी, क्योंकि उसकी कनेक्शन जो था वो बाहर गया. बट सी आफ्टर ऑल यू हैव टू नो दैट इवन ही इज फीलिंग. या आई गेट इट. केविन ने भी मुझे काफी समझाया कि मुझे अभी गैरी को टाइम देना चाहिए, तो मुझे काफी दुख हुआ इस बात का कि मैं इतनी ज़्यादा खुश थी सिल्वर विला में आने के लिए, क्योंकि मुझे उनके साथ परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, और वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि मैंने उनकी जायदाद से कुछ हिस्सा मांग लिया. ऑल आई वांट टू रिक्वेस्ट यू गाइस, लाइक निकिता यू ओके, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑनेस्टली दैट जब कुछ भी चैलेंजेस आता है ना, प्लीज परफॉर्म, बिकॉज हर टाइम हमारे ऊपर नहीं होगा. देर विल बी अ टाइम यू गाइज विल, और इतने टाइम तुम लोग डंपिंग जोन में आ चुके हो, इट्स जस्ट गोना बी सो डिफिकल्ट. जो भी हमने सोचा था वो लिटरली सब चेंज हो गया था. सो आई वॉज वेरी लाइक बहुत अपसेट थी, और कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लग रहा था क्योंकि निखिल लोग का जो ग्रुप था वो बड़ा होते जा रहा था. हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि आज हम लोग सारे सेफ थे, और हमारी ऑपोजिशन टीम है उनके बंदे जो कि मेजॉरिटी में थे, अब वो धीरे धीरे करके माइनॉरिटी में आने लग गए थे. और हमें अब महसूस हो रहा था कि हम स्प्लिट्स विला 13 के सर्वशक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखने लग गए हैं, और इस विला पे हमारा शक्ति संतुलन बन चुका था.